स्वागत है दोस्तों आप सभी को हमारे इस वीडियो में। मैं हूं आपके सामने रजा हसन, डिज़ाइन टाइल मास्टर। आप जो देख रहे हैं, आप बहुत से लोग ऐसे हैं जो कमेंट करते हैं, भाई आपने चौखट जो बनाते हैं उसमें आप डिटेल वीडियो नहीं देते हैं, आप हमें सही तरीके से सही ढंग से आप नहीं समझाते हैं। तो मैं इस वीडियो को लेके आया हूँ आपके सामने। इस वीडियो में आपको एंड तक देखना, आप एक चौखट आपको बिल्कुल आसानी से बनाना सीख जाओगे। अगर आपको बनानी है तो इस वीडियो एक बार आप देख लो, उसके बाद आप मार्केट में फैल जाओ, आप कहीं भी आसानी से आप इस चौखट को बना सकते हैं। ग्रेनाइट चौखट के बारे में बोल रहे हैं दोस्तों, फ्रेमिंग पट्टी के बारे में बोल रहे हैं। तो कितने, मान लो मेरे पास एक चौखट है, इस चौखट में हमने कितने कितने इंची की और कितने कितने लंबाई की और कैसे पट्टी काटनी है, कैसे फ्रेमिंग पट्टी काटनी है, कैसे कैसे पट्टी को भी ग्रुप बनाना है, ये भी ग्रुप फ्रेमिंग पट्टी रेडी होने जा रहा है। भी ग्रुप का ये फ्रेम रेडी हो जाने जा रहा है हमारे साथ। जो देख सकते हैं ये हमारे पास एक सैंपल उदाहरण के लिए एक अभी चौखट ये चुनाई किया हुआ है, कंप्लीट है। अब इसमें मान लो मेरे को ग्रेनाइट का चौखट लगाना है तो किस प्रकार से लगाते हैं, ए टू जेड इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे। आप इस वीडियो को एंड तक देखना, उसके बाद मेरे को कमेंट करना कि भाई आप अच्छी तरह से नहीं बताते, एक से बताऊंगा। मान लो मेरे पास इस दीवार है पूरा 10 इंच की, ठीक है। अब 10 इंच में कितने इंच की काटूंगा ये आपको, तो चलिए शुरू करते हैं, देर किस बात की, आइए। 10 इंची है तो इधर से फेस टू फेस ले लिए, इधर से दीवार से फेस टू फेस, और इधर से हम ले लिए 8.5 इंच। 8.5 इंच मान लो इतना मैं पत्थर एक बार लगा दूंगा, ठीक है। उसके बाद फिर आएगी यहाँ पे 4 इंच की पट्टी, और दोबारा 4 इंच की पट्टी यहाँ पे लगाएंगे इसका फेस टू फेस। उसके बाद ये ठोकर बन जाएगा, टिकनेस बन जाएगा, ताकि दरवाज़ा इसमें अड़ेगा। अब ये बात तो समझ में आ गई होगी। अब दूर जो अब मान लो यहाँ पे 4 इंच की पट्टी लगा देंगे, इधर से 8.5 लगा देंगे, तो यहाँ से आएगा, मान लो 8.5 लगा दिए। अब जो 4 इंच की पट्टी हम कटिंग करेंगे, ये इधर से फेस टू फेस रहेगा और यहाँ पे आपको रहेगा लगभग 2 इंच इसमें दबेगा। 8 × 82 का मेरे को 2 पीस कटिंग करना है, और 1.5 इंच का ये इसकी लंबाई का, हाइट का। हाइट आपको देखो फिक्स है भाई, तो आपको माप लेना है यहाँ पे फिक्स, मान लो 42 है, 42 8.5 इंटू में बता दिया। अब जितना जितना यहाँ पे लिखा हूँ उतना उतना पहले पत्थर में कटिंग करके यहाँ पे लेके आता हूँ। अब मैं इस पत्थर का यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ चौखट बनाने के लिए। कटिंग कर दिया हूँ, अब ऊपर से दिखाते हैं। सात घंटे सूखने के बाद इसमें पॉलिश होगा। स्टेप नंबर, अब ये हो गया है पॉलिश होके तैयार। अब ये साथ में पूरा देखना है कितना बनेगा। मेरा ऊपर ऊपर है 40, तो नीचे भी 40 होना चाहिए। अब देखो फिर 40 आ रहा है। देखो परफेक्ट आ गया,
ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये भी आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा फ्रेम। अब ऐसे टाइल को चेक करना है गुनिया में है कि नहीं, देखो परफेक्ट गुनिया आना चाहिए, ठीक है। अगर गुनिया नहीं आएगा तो समझो कि ये आपको लेवल भी नहीं लगा हुआ है, साबुन में नहीं है। ये आप देख सकते हैं पूरा फिक्स आपको गुनिया में होना चाहिए ऐसे, फिर दोनों तरफ से हम 4 इंच की पट्टी कटिंग करेंगे, फिर उसको हम चिपकाएंगे। वो आप देखो इधर से फेस टू फेस रहेगा, ठीक है, इधर से फेस टू फेस रहेगा, फिर यहाँ से वहाँ तक रहेगा। अब किस प्रकार से चिपकाते हैं वो भी इस वीडियो को आगे देखोगे। अब देखो ये पट्टी आपको ऐसा पट्टी आपको छोटा सा टिकनिस लेना और दीवार में ऐसे आपको चिपकाना है। देखो मान लो हम यहाँ से अड़ेगा नहीं, गिरेगा नहीं, इसलिए हम यहाँ पे चिपका रहे हैं। इस पट्टी को यहाँ पे आपको रखना है, ठीक है, ये ओलंबा में रखना बिल्कुल सबसे जरूरी है, सबसे ग्रेनाइट चौखट में ओलंबा चेक करना सबसे जरूरी इसी में, इसी पट्टी में है, क्योंकि इसी पट्टी में दरवाजा अटकेगा। तो हम सबसे पहले इसको फिर से साबुन करके सेटअप करते हैं। साबुन लगाना है ऐसे, भाई दोनों हमने नीचे से ऊपर तक इसको रफ कर दिया हूँ। अब इसमें एरोलाइट की मदद से चिपकाते हैं। पट्टी आपको कितना कटिंग करना है इसको सबसे पहले हम इसमें 2.5 इंच के इसमें फ्रेमिंग पट्टी लगाते हैं, और 2.5 इंची फ्रेमिंग पट्टी यही सबसे बेस्ट है। अब आ गए हैं हम लास्ट पोजीशन पे। अब हमारे इस फ्रेम में जैसा कि आपको बताया, इधर से हम 4 इंच का पट्टी हम चिपका दिए, इधर से दीवार के बराबर, इधर से ये अभी आपने देखा। अब आ गए हैं हम लास्ट पोजीशन पे। लास्ट पोजीशन मतलब अब यहाँ पे जो बाकी रह गया, हम फ्रेमिंग पट्टी जो घुमाएंगे उसको 2.5 इंच का कटिंग करेंगे। तो 2.5 इंच का पट्टी मैंने कटिंग कर लिया हूँ, अभी मैं एक सेकंड में दिखाता हूँ। ये देखो ये सारा मैं 2.5 इंच का पट्टी मैंने काट लिया हूँ, ठीक है। अब आपको करना क्या है, इसमें फ्रेमिंग पट्टी घुमानी है। तो फ्रेमिंग पट्टी घुमाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा वो मैं अभी, फ्रेमिंग पट्टी घुमाने के लिए आपको सबसे पहले देखो मैंने ये 2.5 इंच का पट्टी कटिंग कर लिया हूँ। अब इसको भी ग्रुप बनाने के लिए आपको बीच में से फाड़ना पड़ेगा पट्टी, जैसा कि मैंने एक पट्टी को भी फाड़ के रखा हूँ। देखो इस प्रकार से आपको पूरा यहाँ से वहाँ तक फाड़ना है ताकि भी ग्रुप बनाने में आपको आसानी हो, और इसी प्रकार से भी ग्रुप बनाते हैं जितने भी लोग बनाते हैं, जहाँ भी फ्रेम लगाते हैं ग्रेनाइट का वो इसी प्रकार से करते हैं। तो आपको इसी प्रकार से आप फाड़ना भी है। अब फाड़ते हैं किस प्रकार से अभी मैं दिखाता हूँ। देखो फाड़ने के लिए हमने सबसे पहले यहाँ फर्मा बना लिया हूँ ऐसे, इस प्रकार से आपको भी इसी प्रकार से जो भी आपको सुविधा हो इसी प्रकार से आप बना लेना।
अब दोस्तों ये फ्रेम हमारा पूरा बिल्कुल ओके हो चुका है, बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो आपने देखा किस प्रकार से हमने इस वीडियो में आसानी से आसान लफ्ज़ों में आपको बताया किस प्रकार से हम ग्रेनाइट का फ्रेम बनाते हैं आसानी से, और भी ग्रुप बनाने में आपको किस किस चीज़ों का उपयोग चाहिए और कितने बाहर अंदर रखना चाहिए, ये मैंने इस वीडियो में आप लोगों को बताया। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए थैंक यू। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी से ये मैंने रेडी कर चुका हूँ ये फ्रेम। ये 10 इंच का दीवार था भाई और दोनों तरफ से फ्रेमिंग पट्टी थी। साथ में मैं आपको दिखाया एक, लेकिन मैं बनाया इस मकान में जितना सब रेडी अभी नहीं हुआ, कुछ बाकी है नीचे में, लेकिन आप देख सकते हो कितनी बेहतरीन मैंने इसमें आपको समझाया है। तो इस वीडियो में मैं बता देता हूँ, देखो दीवाल से दो सूत बाहर है, इधर से दीवाल से दो सूत बाहर है, और ये भी ग्रुप है, और इधर से भी दीवाल से दो सूत बाहर है, ठीक है, दो सूत इधर से भी बाहर, दो सूत ये पट्टी है, यह पट्टी आधा अंदर गया है आधा दीवाल के बाहर है, और यह दो सूत भी ग्रुप बना है। इस वीडियो में अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो इस वीडियो को दो तीन बार फिर से देखें तो बिल्कुल आपको परफेक्ट समझ में आ जाएगा।